सरोकार। धार्मिक अंदाज में दिखाई दी 2023 की पहली सुबह। सुबह सवेरे मंदिरों में भक्तों की दिखी भीड़। अंबेडकर नगर में नए साल के जश्न में अश्लील गानों पर डांस। नगर पालिका के बीएसपी प्रत्याशी ने कराया कार्यक्रम। दिल्ली में नए साल में महसूस हुए भूकंप के झटके। आसपास के इलाकों में भी महसूस हुए झटके। वाराणसी में साल के पहले दिन गंगा आरती खास महत्व। भक्तों की भीड़ में भारी भीड़ को देखने को मिली। राहुल गांधी ने ट्वीट करके दी देशवासियों को शुभकामनाएं। उम्मीद है 2023 में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा में पुलिस को स्वाट टीम सर्विलांस टीम की मदद से सफलता मिली है। बता दें कि बैंक में विक्स कंपनी का एक कर्मचारी 1,37,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस कमिश्नर के द्वारा टीम को 25,000 नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। तो वहीं पुलिस ने महिला सहित 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जल्दी अमीर बनने के लिए घटना को अंजाम दिया गया था। कट्टे को लेकर आए थे, वो मोटरसाइकिल भी बरामद की जाती है। उसके इनका तीसरा साथी महेश, जो कि अपना हिस्सा लेके फरार था, उसके घर भी दबिश दी जाती है और उसके पास से 15,00,000 रुपए बरामद किए जाते हैं। और उसने अपना अपने अपने हिस्से को दो भागों में तोड़ दिया था और एक हिस्सा अपने मौसा के यहाँ भूरी सिंह के यहाँ रख दिया था। भूरी सिंह के पास से भी 8,12,500 रुपए बरामद किए जाते हैं। महेश अपने बयान में भी बताता है कि उसने कुछ सामान खरीदे हैं, पुलिस उन्हें भी रिकवर करने का पूरा प्रयास कर रही है। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के पत्थरदेवा बाजार में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा, जिसका वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि हमारे पड़ोसी से जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा था, जिसका मुकदमा अपर मंडला आयुक्त न्यायिक गोरखपुर के न्यायालय में चल रहा है और दबंगों ने पुलिस का सहयोग लेकर विवादित जमीन पर कब्जा कर लिया और आरोपी दबंग अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। था वो भी गया है, लेकिन वहाँ जाके वो अपना जबरदस्ती अवैध कब्जा करने लगा। कौन कौन है उसमें? गिरजेश है, कमलेश है, अनिकेत है, निर्देश है, राजेंद्र जायसवाल है, वीरेंद्र जायसवाल है। गाजियाबाद में नववर्ष को लेकर पुलिस की पूरी तैयारियों के साथ सड़कों पर नजर आई। शराब के नशों में सड़कों पर हो हल्ला और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया। बता दें कि नववर्ष के इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर हुड़दंग मचाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा नशे की हालत में शोर शराबे और आपसी झगड़े जैसी शिकायतें सामने आती हैं, जिसके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने अपनी पूरी कमर कस ली है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस सड़कों पर है और ड्रंकर ड्राइव का अभियान यहाँ चलाया गया है। गाजियाबाद पुलिस नशे में ड्राइविंग और हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। नया साल आने वाला है और कोरोना के बाद एक इस तरह का आयोजन होगा जिसमें ज़्यादा छूट है, तो लोग उत्साहित ज़्यादा हैं। ब्रेथलाइजर से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पे ताकि बैठा व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी ना चलाए, जिससे रोड व्यवस्था ट्रैफिक को भी साथ साथ जान माल की हानि ना हो किसी को और शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष का त्यौहार मना सके। जी, तो क्या आज केवल इन्हें
हरदोई में न्यू ईयर पर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते एसपी ने वर्ष के अंतिम दिन और नववर्ष के आगमन पर शहर के व्यस्त चौराहा और आकस्मिक सेवाओं का मॉक ट्रायल करवाया। साथ ही डायल 112 फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस के रेस्पॉन्स टाइम का भी ट्रायल हुआ। बता दें ये तैयारी नववर्ष के आगमन और वर्ष के अंतिम दिन के लिए की गई थी, जो कि रात 12 बजे से 1 और सुबह के लिए भी की गई। साथ ही 500 से अधिक पुलिस कर्मियों को शहर के विभिन्न चौराहों पर 4 बजे से रात्रि 2 बजे तक ड्यूटी पर लगाया गया है। एसपी ने उपद्रव करने वाले किसी भी व्यक्ति को न बख्शने की संकेत दिए हैं। सब जगह मनाया जाता है, यहाँ भी पब्लिक द्वारा साल का अंत और नए साल का जश्न मनाए जाने की उम्मीद है। भीड़भाड़ सड़कों पर होने की उम्मीद है, जिसके दृष्टिगत अगर कोई समस्या आती है तो हमारी पीआरवी कितने देर में पहुँचती है, यदि कोई घायल होता है तो एम्बुलेंस कितनी देर में पहुँचती है, यदि कहीं आग लग जाती है फायर ब्रिगेड कितनी देर पहुँचती है, ये हमने इसका मॉक ट्रायल किया। अभी यहाँ राजधानी लखनऊ में प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया। ड्रंक एंड ड्राइव से हादसा रोकने के लिए कार सवार लोगों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया। वहीं इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और डीएसपी सेंट्रल ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही नववर्ष के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इसको लेकर जीसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोंडिया ने बताया कि पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। गमनशील ने पेट्रोलिंग पार्टी लगातार सभी भीड़ भरे इलाकों में और आइसोलेटेड सड़कों पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमने आज सुनिश्चित किया है कि सभी पिंक बूथ्स पर रात्रि देर रात्रि तक महिलाएं भी मौजूद रहें, जहां पर जाकर कोई महिला यदि अपनी कोई परेशानी बताना चाहती हो तो बता सके। साथ ही हमारी जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, अलग अलग स्थान जहां पर पुलिस तैनात है वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, और जो ड्रोन से भी अलग अलग इलाकों में सर्विलांस की जा रही है। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने सुनार की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद थाना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण और सोने चांदी की सिल्ली मोबाइल फोन तथा 9 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। महारानी गीता ज्वेलर्स, जिसके गगन कुमार वर्मा उसके प्रोप्राइटर हैं, उनके खुद के नौकर ने और उसके भाई ने मिलकर दुकान से करीब 15-16 लाख का माल और नकदी चुरा लिया था, जिस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा लिखा गया था। इसमें कई टीमें लगाई गई, कोतवाली पुलिस के अलावा एसओजी टीम लगी जनपद की, और सभी ने इन दोनों नौकरों को कल अरेस्ट करने में मदद मिली है। मैनपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रात में ही घर वालों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया, तो वहीं घटना पर सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला आया है आनर के लिए, जैसा कोई मामला नहीं है। इसमें पता लगा कि एक लड़के और लड़की प्रेम संबंध की बात थी और दोनों किसी कारणवश सुसाइड कर लिए, और उनके घर वालों द्वारा उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस के संज्ञान में आया था, पुलिस उसमें जांच पड़ताल कर रही है, कोई आनर किलिंग जैसी बात नहीं पाई गई। रायबरेली में परिषदे पुर चौकी क्षेत्र के सलोन जैस रोड पर
पिकअप को बचाने के चक्कर में ट्रक बिजली के पोल को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरा, जिसमें चालक व परिचालक बाल बाल बचे। चालक ने बताया कि बांदा से मोरंग लोड कर गोरखपुर जा रहे थे, तभी सौदाहा ताल के पास सामने से तेज रफ्तार पिकअप बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। रायबरेली में मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर गांव में घर के अंदर एक युवक का शव खून से लथपथ मिला। जानकारी के मुताबिक घटना स्थल पर खून, मृतक के सिर पर चोट के निशान और पानी के टब व सीढ़ियों पर खून से सने पैरों के निशान मिले। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। बता दें, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। में किसी आदमी की यहाँ पर मृत्यु हुई है, इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक टीम इंस्पेक्टर मेरेरिया और सीओसीटी यहाँ मौके पर पहुँचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जो मृतक हैं उनके मुआयने से लगता है उनकी सर पे चोट है और मुंह से झाग सा आ रहा है। मृत्यु का सही कारण क्या है, इसके लिए शव को पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और प्रथम दृष्टया। रायबरेली में क्षेत्र में बढ़ रहे जमीनी विवाद आए दिन खूनी संघर्ष में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसमें ना जाने कितने लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी पुलिस और प्रशासन इस तरह हो रही घटनाओं को पूरी तरह रोक नहीं पा रही है, जिसका नजारा भदोखर थाना क्षेत्र के विनोहरा गांव में देखने को मिला, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे बरसने लगे। इस घटना में कई लोग घायल हुए, वहीं एक व्यक्ति की हालत नाजुक है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ आप लोगों का? मामला यही हुआ, हम खेत में काम कर रहे थे, वहाँ दो चार लोग मारपीट चालू कर दी। कौन कौन मारा है? संदीप, कुलदीप। तो थाने में एप्लीकेशन दिया है इसकी? थाने में दिया। रायबरेली जनपद में इन दिनों भ्रष्टाचार और अभिलेखों में छेड़छाड़ का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित भुआलपुर सिसनी गांव का है, जहां के निवासी रामशंकर ने बताया कि हमारे अविवाहित छोटे भाई हरिराम की मौत बीती 2011 में हुई थी, जिसके बाद फरवरी 2022 में सलोन तहसील के जिम्मेदारों और पूर्व लेखपाल रूपेश ने मृतक हरिराम को शादीशुदा दिखाकर 1.5 बीघा जमीन कथित शांति के नाम कर दिया। वहीं अब अविवाहित मृतक हरिराम के परिजन कथित शांति की खोज करवाई और पीड़ित परिवार ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई तथा वरासत निरस्त किए जाने की मांग की। रायबरेली में नववर्ष पर पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। बता दें कि शहर कोतवाली के जहानाबाद चौकी क्षेत्र स्थित मधुवन रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवती से मोबाइल छीनकर भाग जाने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवती एक ठेले पर खड़ी थी, तभी एक युवक मोबाइल छीनकर भाग गया। जब तक वो कुछ समझ पाती, तब तक युवक 9:02:11 हो गया। फिरोजाबाद में वार्ड नंबर 64 की पार्षद प्रत्याशी नरगिस बेगम की तरफ से गरीबों तथा मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए फ्री कैंप लगाया गया। कैंप लगाकर लोगों तक मेडिकल की सुविधा पहुंचाई गई। बता दें, पार्षद प्रत्याशी नरगिस बेगम शिविर मेडिकल कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही कैंप में आए लोगों ने पार्षद प्रत्याशी नरगिस बेगम का आभार व्यक्त किया। मेरी हम लोग समाज सेवी हैं जी। हम एनजीओ भी चलाते हैं जी, जिसमें हम लोग ब्लड डोनेशन भी करते हैं जी गरीबों को, और प्लस यहाँ पर हमने इसलिए रखे गया है, यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, जिनको बेचारे गरीब लोग हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास पैसा भी नहीं है इलाज कराने के लिए। तो हमने FS बुलाया उसकी टीम को, FS उसकी टीम।
उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।